यंत्रा बाई फ्लिपकार्ट रिसाइट को मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के जो भी रिटर्न का सिस्टम है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरे को ये पार्सल कल रिसीव हुआ। मैं एक मोबाइल में आप लोगों को दिया था फ्लिपकार्ट रिसाइट को, ये 10 प्रो, ये कस्टमर को मैंने सेल किया था। कस्टमर एक महीना भी मतलब यूज़ किया, उसके बाद कस्टमर मेरे पास लेके आता है, आने के बाद बोलता है कि मेरे मोबाइल में डिस्प्ले में लाइनिंग आ गया। ये लो, ये देख सकते हैं ब्लू कलर का लाइनिंग आ गया। तो इस लाइनिंग को मतलब ठीक करने के लिए मैं फ्लिपकार्ट रिसाइट को मैं देर से 2 महीना पहले मैं ये मोबाइल फ्लिपकार्ट बाई रिसाइट को दिया था, और बाकी 1.5 महीना का बाद जब मुझे ये मोबाइल मिलता है तो बिल्कुल जैसा था वैसे, और मोबाइल में 1% चार्ज भी नहीं था। मैंने आने के बाद फुल चार्ज किया, और मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट रिसाइट का जो सर्विस है वो लोगों ने इसको चार्ज भी नहीं किया और देखा भी नहीं मुझे लगता है। अगर देखा होगा तो इसको चेंज करके देना चाहिए था। और बाकी 1.5 महीना रखने का इसका वजह क्या है कि आप लोग 1.5 महीना फ्लिपकार्ट रिसाइट आप लोग 1.5 महीना सर्विस में रखते हो, और एक फ़ोन 1.5 महीना रखने के बाद उस कस्टमर को मैं अभी ऐसा फ़ोन अगर उनको दूंगा तो क्या लेगा मेरे हाथ से ये फ़ोन। तो मैं जो आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इतना मतलब आप लोगों को विश्वास करके मतलब इतना प्राइस भी ज़्यादा लेते हो तब भी मैं आप लोगों से माल लेता हूँ, और ये आप लोग मेरे को कल ये पार्सल रिसीव हुआ, ये पार्सल मेरे को कल रिसीव हुआ। सोफी मोबाइल स्टोर मेरा शॉप का नाम है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है मेरा, यहाँ पे मोबाइल नंबर है 9864376868। ये मोबाइल नंबर मुझे कॉल करके पार्सल मेरे को दिया गया, कल डिलीवरी से आया। तो आने के बाद मैं जब मोबाइल को हाथ में लगाता हूँ 1.5 महीना पहले जब हाथ में लेता हूँ, तो मोबाइल जैसा मोबाइल मैंने 1.5 महीना पहले दिया था कि जिसको ठीक करने के लिए, वो ठीक नहीं हुआ। तो क्या ये कस्टमर को हम दे सकेंगे? अभी कस्टमर क्या मेरे से ये ऐसा मोबाइल अभी लेगा? अगर कस्टमर ने मेरे को जब आके बोलेगा कि ऐसा मोबाइल नहीं लूँगा तो मेरे को पैसा वापस करना पड़ेगा उनको। तो फ्लिपकार्ट रिसाइट वारंटी दे के मेरे को ऐसा मतलब फंसा के दिया है अभी, क्योंकि मैंने 1.5 महीना पहले आप लोगों को मोबाइल दिया, 1.5 महीना आप लोग रख के मेरे को जैसा मोबाइल वैसे ही आप लोग मेरे हाथ में फिर लौटा के दिया। इतना दिन आप लोग क्यों सर्विस में लगाते हो मेरा एक नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, अगर ठीक नहीं होगा इसको तो फिर आप लोगों ने पिकअप क्यों करवाया? पिकअप करने का वजह क्या है कि पिकअप आप लोग पिकअप करके फिर दोबारा रिटर्न भेज दिया? 1.5 महीना लग गया आप लोगों को, और मैं आप लोगों से इतना सारा माल लेता हूँ, 2-3 बैग ऐसे माल है मेरे पास पड़ा है। तो मैं आप लोगों को मतलब सब माल छोड़ के मैं आप लोगों का माल में सेल कर रहा हूँ। तो इसी दिन देखने के लिए क्या आप लोग मतलब सर्विस का ऐसा हालत होगा क्या? और जब भी मैं माल एक मतलब कोई प्रॉब्लम होता है तो रिटर्न करने के लिए देता हूँ, तो रिटर्न जब करने के लिए बोलता हूँ तो 3-4 दिन रिटर्न जो रिक्वेस्ट है मतलब उधर मतलब 10 दिन लग जाता है कि मतलब पिकअप आने में, और पिकअप जब आता है 10 दिन में उसके बाद आप लोगों को जब माल मिलता है तो आप लोग पैसा रिफंड करने में भी आप लोग 10-15 दिन और लगा देते हो, और उसके बाद ये जो माल है मेरे को माल रिटर्न किया तो जैसा का माल वैसा ही है, कोई माल ठीक नहीं करके दिया। तो ये सिस्टम आप लोगों का मुझे बिल्कुल रिटर्न का अच्छा नहीं लगा, सर्विस का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इस वीडियो को जो फ्लिपकार्ट रिसाइट का मालिक है उन तक पहुँचाइए, ठीक है? थैंक यू।